हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को मेरी साइड से विश यू अ वेरी हैप्पी हनुमान जयंती हो रहा है भाई। पौने आठ तो बस ऑफिस को लॉग आउट करके अपन जा रहे हैं मंदिर सखी के हनुमान, जो आप एक्चुअली दो तीन ब्लॉग में आपने ऑलरेडी देखा हुआ। तो वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं थोड़ा सा, और जाएंगे अपन बाइक से। बाइक पे अपना हेलमेट भी, ये अपना हेलमेट भी सेटअप हो गया है गाइस। ये देखो ब्लू आर्मर का ये लगा दिया है, क्योंकि उस पर ये नहीं लग पा रहा था पहले, अपना चिन कर्टेन, तो अब ये भी इंस्टॉल हो गया। तो अब बिल्कुल, और ये माइक भी अपना आ गया, जो माइक का अपन ने यहाँ से इसका आउटपुट है, और जो माइक लगाया वो यहाँ लगाया है। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा अंदर करके लगाया ताकि विंड नॉइस थोड़ा सा लो आए। तो चलो सीधे मिलते हैं अब बाइक पे, वहीं बातचीत होगी। और ये अपना मीडिया मोड है, मीडिया मोड जिसमें वो कनेक्ट होगा। इसकी वीडियो पेंडिंग में डली हुई, मतलब इसकी अनबॉक्सिंग, और इसकी अनबॉक्सिंग और इसके साथ ही ये आया था। तो ये तो इसका तो कोई काम नहीं है, क्योंकि अपन माइक ऑलरेडी वो लगाए हुए। चलो इसको इस पर इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं कैसा, मतलब क्या अपियरेंस है इसका। और जे माउंट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो भाई गोप्रो का ही जे माउंट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर है देन अदर जे माउंट जो भी लोकल अमेजोन पे मिलते हैं। तो ठीक है गाइस, चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। और गोप्रो के स्टिकर लगा दिए एक यहाँ पे, एक बैक यहाँ पे आ गया भाई माइक का तार, और ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है। थोड़ा सा एक हाथ से पकड़ना है भाई, हैवी है, बस इसको पहन के चलते हैं। और आज इसका ऑडियो टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे को एक थोड़ा सा राइड प्लान की है मैंने, अकेले ही हूँ अभी। तो मैं भाई, कोई ज्वाइन कर सकता है अगर, तो भाई हर सैटरडे संडे राइड ज्वाइन कर सकता है। एक अपन स्पॉट बना लेंगे झांसी में भी, जो बाइकर हैं अगर बाइक किंग या राइडिंग में इंटरेस्ट है, आ लेंगे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएंगे। और एक पॉइंट इलाइट जो यहाँ पे मेन है, वो सब एक साथ होके वहाँ से राइड कर सकते हैं। तो संडे को अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला ही हूँ, और गाड़ी का भी वेट कर रहा हूँ कि कब गाड़ी आए तो और अच्छी राइड हो। अपना मोटो ब्लॉक तो पूरा सेटअप हो गया भाई, एकदम परफेक्ट। चलो अब ये आगे की बात है मोटो ब्लॉक की, मोटो ब्लॉक पे ही करेंगे, ठीक है गाइस। चलो आज ऑडियो के साथ है भाई, कितना डर हो रहा है। आज हनुमान जयंती है ना, यहाँ पे बाबा का मंदिर है। एक बार चेक कर दे कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। बस मिरर होना पीछे बहुत ज़रूरी है यार। अब थोड़ा सा लाउड नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा भी नहीं पता है, क्योंकि मीडियम मोड के साथ है। तो ये भी एक बड़े बब्बा का मंदिर है, खूब बड़े बब्बा है अंदर। दादा निकाल ले तू, टो 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 टो। डेट की स्पीड पे थोड़ा सा हाई भी आ गया, तब थोड़ा सा चेक करेंगे कि विंड ब्लास्ट मतलब ज़्यादा तेज़ तो नहीं है। और चिन कर्टेन लगाने के बाद तो बिल्कुल चिन एकदम सेफ है भाई, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही। मतलब चाय सुट्टा बार है, इतनी भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। ओहो गर्मी लग रही थी, बढ़िया भाई। ये बहुत अच्छे काम करते इसके वेंटिलेशन, बिल्कुल सर्कुलेशन बना रहता है एकदम कायदे का। तो सीधा हाईवे पे मिलते हैं, कुछ होगा तो बताएंगे भाई। बंदे हल्का ड्रेसिंग करने लगते भाई, और हेलमेट भी नहीं। चलो हम कह रहे बेसिक गार्डिंग भी नहीं है, और देखो भाई कैसे चला रहा, देखो देखो उसे और गूद पम आ गया मैं देख के स्टाइल। 180 cc है हमारे पास, तुम्हारी 150 है भाई, पता ही नहीं चलता हेलमेट पहन के कब सौ पहुंच गए आप। हर जगह भंडारा होगा भाई हनुमान जयंती पे। यहाँ काफी सर्दी लग रही, मतलब पहले क्या था लास्ट ईयर बहुत जल्दी, मतलब इस समय भी बहुत गर्मी लगने लगी थी, लेकिन अभी भी कुछ टाइम ऐसा है यहाँ पे कि गर्मी नहीं लग रही है, मतलब इतनी प्रॉपर गर्मी नहीं आई, अभी भी सर्दी है। देखो फील कर पा रहे, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही यहाँ पे, बढ़िया। यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट बन रहा है भाई। चलो अब थोड़ा सा म्यूजिक टेस्ट करते हैं इसका। ओ पापो आवाज अब आए क्लियर, वैसे तेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ही बोल रहा हूँ 117 की स्पीड, 120 की स्पीड, आवाज़ बढ़िया आनी चाहिए भाई। तो अच्छी बात है, आवाज़ अच्छी आएगी तो ही मज़ा आएगा। जबरदस्त भीड़ है यार, देखो तो आज तो बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे लग रहा है। गोप्रो भी संभाल के रखना, वरना चला पार पा, पार हो जाए भीड़ में। ऐसे लेके चल रहे भाई हेलमेट, खतरनाक है। देखो भीड़ है भाई, निकलना मुश्किल है। तगड़ा है यार,
अपने तो दर्शन हो गए भाई, बहुत इसकी तो दीपावली पे भी नहीं दिखी हमें, बहुत मजा आ गया लेकिन एकदम आनंद परमानंद। अपनी गाड़ी के पास ही जूते उतार दिए थे भाई, अब यहाँ पे कहाँ पे रखे भाई, एक शॉप है अपनी वहाँ रखते हैं, लेकिन अब हेलमेट भी नहीं ले सकते ना भाई, हेलमेट और गोप्रो का के रखो वहाँ पे, चलो सीधा चलते हैं गोप्रो पे। बहुत सही डिसीजन था भाई गाड़ी लेके ना आने का, चीज है भुलाने की। यहाँ देख लो दीदी कहाँ देख रही है, अरे भाई साहब दीदी कहीं और ही देख रही, इतनी भीड़ हो जाती कि ये हाईवे पे भी वो लग जाती गाड़ियाँ। ओके आएगा, मैंने आज का गैप कर दिया क्योंकि एक टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी अब ब्लॉग की, उस टाइमिंग के हिसाब से ही ब्लॉग अब आएंगे, मतलब एक परमानेंट टाइमिंग सुबह 9 बजे का है, क्योंकि डेली ब्लॉग भी मतलब लगभग पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटो ब्लॉगिंग से पॉसिबल है कि आप कहीं भी जा रहे तो थोड़ा सा झांसी को एक्सप्लोर करते हुए दिखाओ। कमेंट डाउन ब्लो गाइज कि अगर आपको और कुछ देखना है झांसी में और बढ़िया सा, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। एंड आप काफ़ी बड़ी बड़ी राइड प्लान होके रखी हैं, बस रखी ही हैं अभी, जब तक भाई ये देखो बिल्कुल ऐसे निकलना कितना गलत है, देखो बच्चों को ऐसे निकालना बिल्कुल सारे आम गलत है, सनरूफ का इस्तेमाल लोग ऐसे करते हैं बाहर निकलने पे, कोई अगर ऑब्जेक्ट उड़ के अगर आता है तो सीधा गेम खलास है क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है, तो 3-3 बिठा लें। ओके दीदी देखो फोन पे बातें कर रही, हद है यार वो देख ही नहीं रही, वो यहाँ पे फोन पे बड़ी आराम से बक्स चढ़ी आ रही। हमारे झांसी में भी लिमिट हो गई है, पेपर में आ गई है कि अगर 35 से आपकी स्पीड प्लस है तो आपको 2000 का चालान आएगा, और अगर हैवी व्हीकल है जैसे लाइक ट्रक और ये सब तो इनका 4000 का चालान है। देखो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब ऐसे ही सदर में कुछ करना तो नहीं है, एक राउंड लगा के निकल जाएंगे, सदर हम लोग के यहाँ यही काम आता है, एक राउंड लगाओ निकल जाओ, आज सदर में भीड़ नहीं है, वरना मोस्टली वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ रहती है। ये तो दो पल का मजा है ना खींचने का, मजा आया था इससे, अब तो पल्सर वो रही नहीं है जो पहले थी, मतलब इंजन वाइज तो सही है लेकिन अब अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी हो गया समाज के हिसाब से, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप स्किल सेट नहीं उठाओगे तो आप पीछे होते चले आओगे, स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपन को मिलना है राइट गोल चक्कर से, बब्बा का मंदिर है, जय श्री राम। वाह यार कहाँ से आ रहा है बता, हम सोच के चल रहा है कोई नहीं आ रहा, वो उल्टी साइड से ज़्यादा घूम के भी नहीं आ रहा ना है माइक में, क्योंकि माइक हमने ऐसी जगह प्लेस किया है जहाँ पे शायद हवा का आया दिक्कत हुई, तो कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा भाई, चैलेंज है भाई। लोगों को लगता है कि कोई ब्लॉगिंग करता है उसके पीछे भाई बहुत मेहनत होती, बहुत वर्कआउट होता हर चीज़ के पीछे, कोई ईजिली नहीं हो पाती। आपको ये लगा आपने हर चीज़ देख के आपको लग रहा है वो तो ऐसे ही, भाई हर चीज़ के पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। यूट्यूब पे भी ग्रो करना इट्स अ चैलेंज, ये सिग्नल तो बंद हो जाते रात के 8-9 बजे के बाद, तो बताना प्लीज़ कि किसी को अगर पूरी गोप्रो के रिगार्डिंग या मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पिंग करना, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा और बजट बता दूंगा भाई कितने का है, क्योंकि ये जो सेटअप है ना जो अभी अभी यूज़ कर रहे हैं विद हेलमेट, अकाउंट अभी हिंट ले लो कम से कम नहीं तो 70,000 रुपये का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी दिखाते रहोगे तो आप ग्रो करते रहोगे। अगर आप सोचो कि 4 वीडियो डाल दें या 2 वीडियो डाल दें और ऐसा हो जाए, कभी कभी हमने ऐसा देखा कि 500 वीडियो भी डाल दो तब जाके एक वायरल होगी ना, तब जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो लगे रहना जरूरी है हर काम में। हमसे तो बहुत लोगों ने कही भाई, बहुत लोगों को ऐसा लगता था, मुझे ऐसा देख के उनको लगता था भाई एक वीडियो डलेगी 2 वीडियो डलेगी फिर डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। भाई हमारे साथ तो ये है कि एक बार अपन ने अगर चैलेंज लिया तो उसको अपन पूरा करके ही रहते, क्योंकि ये हमें सिर्फ एक मनी के रिगार्डिंग ये चीज़ नहीं है, मेरा मतलब मेरा पैशन टाइप भी है ये, कि मेरे को खुद की लाइफ शूट करने में कहीं जाके वो करने में अच्छा लगता है, मतलब ये कुछ नहीं है अगर इससे कुछ हो बेटर है ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ तो मतलब सेफ उठी है, कोई आगे फ्यूचर जनरेशन आएगी तो वो देखेगी, तो जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए शूट करते हैं भाई, हमें अच्छा लगता है
वीडियो शूट करना। फिर लोग तो स्टार्ट ही करेंगे भाई, पैसे नहीं आएंगे, पैसे 10 वीडियो डालेंगे, 15 वीडियो डालेंगे, 50 वीडियो डालेंगे, छोड़ देंगे। भाई अगर आपने पैसे की सोच ही करी ना तो यूट्यूब पे ग्रो नहीं कर पाओगे। पहले बस अपना काम करते जाओ और पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ काम करते जाओ भाई। हो गया, क्योंकि हम साइड में नौकरी भी कर रहे हैं अपनी। वैसे हम बता दें, हम आए IT में भाई, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप सपोज कर ही सकते हो। इसलिए मैं अपने साइड में अपने चीज़ें करता रहता हूँ, तो मेरे को कोई लोड नहीं है कि भाई कैसे करना है। सेटअप भी लोगे ना अगर बजट में, तो भी काम आपका हो जाएगा। अगर मान लो जैसे इतना महंगा नहीं जाना, तो अभी 5-5, 10-10 हज़ार में काम हो जाता है। वैसे यार वो जो मोबाइल लगा के चलाते हैं ना भाई, वो हमारे ख्याल से मत चलाया करो, क्योंकि हमने देखा है बहुत से मोटो ब्लॉगर क्या करते हैं, वो मोबाइल माउंट ले लेते हैं, मोबाइल माउंट लगा के उस पर लगाते हैं। भाई बहुत रिस्की है वो, एक तो फ़ोन भी जाएगा और फ़ोन बचाने के चक्कर में आप भी जाओगे। चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बने रहो, ऐसी बढ़िया वीडियो आएंगी भी, जाने आने की भी आएंगी, बढ़िया घूम फिरने की भी आएंगी। बाय बाय।